तो आइए गौर करते हैं मेरे भगवत प्रेमियों। जिसका प्यार सच्चा होता है ना परमेश्वर से, वो धन दाम खजाना भूल जाते हैं। आपने मीरा का जो प्रसंग सुना होगा, उस मीरा ने एक ही बात कही दुनिया वालों से, मुझे क्या काम दुनिया से, मेरा श्री कृष्ण प्यारा है। अगर प्रभु से आप भक्ति करते हैं तो वो सच्ची होनी चाहिए। प्रभु भक्ति किसे कहते हैं और तप किसे कहते हैं, आइए जानते हैं। प्रभु भक्ति का मतलब है यानी सत्य जिनका मन है प्यारे, तप जिनकी आत्मा है, विद्या जिनकी बाणी है, ज्ञान जिनका कर्म है, दया जिनका धर्म है। शब्दों को पहचानिएगा, सेवा जिनकी माता है, धर्म जिनका पिता है प्यारे, सहयोग जिनका भाई है और शांति जिनकी पत्नी है। जीवन पर आधारित बातें हैं, शांति जिनकी पत्नी है और पुरुषार्थ जिनका पुत्र है और धैर्य जिनका मित्र है, भाग्य जिनका साथी है और साहस जिनका शस्त्र है, तथा प्रभु भक्ति जिनका जीवन है। एक प्रभु भक्त के पास ये अदृश्य साथी होने चाहिए, वही सच्ची भक्ति बताई गई। उसी के पास में सच्ची भक्ति है, तब किसे कहते हैं। सुख मिलने पर सुखी होना और दुख मिलने पर दुखी होना, मनुष्य का ये सहज स्वभाव है। यदि सुख सांसारिक पीड़ा होने से मिलता है प्यारे, यदि सुख सांसारिक पीड़ा होने से मिलता है, तब तो बताया गया है दुखी होना लाजमी हो जाता है। लेकिन जहां तक मानसिक कारणों से दुख मिलने की बात है, वहां तक इस मामले में दुख से बचने के प्रयत्न किए जा सकते हैं। क्योंकि यदि विवेक की दृष्टि से देखा जाए तो सुख और दुख की अनुभूतियां अज्ञान के कारण होती है। अज्ञान ही मोह है, मोह सकल व्याधन कर मूला, यानी इसके अनुसार सब विद्याओं की जड़ मोह है, यानी अज्ञान ही सुख और दुख। यानी दरअसल क्या चीज जरा है पर सोचिए, सुख क्या है, सुख की अनुभूति क्या है। बड़ी मार्मिक बातें हैं, ये सब मन का भ्रम है। इसलिए हमें अपने मन को शांत करना है और भगवान से जोड़ना है, क्योंकि आनंद भगवान के नाम में है। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय पयम। आनंद कोई वस्तु नहीं है, कोई स्थान नहीं है प्यारे, आनंद भगवान का नाम है। व्याख्या तो बहुत बड़ी है, लेकिन थोड़े शब्दों में बताना चाहता हूं। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल, आनंद भगवान का नाम है। इसलिए जब आपका प्रेम सच्चा है परमेश्वर से, तो फिर घबराने की जरूरत नहीं, भजन के द्वारा आनंद लेते हैं। क्या बताया कवि, तो लीजिए मेरे सत्संग के प्रेमियों, बड़ी सुंदर बात लिखी है। जब सच्चा प्यार हमारा परमेश्वर से हो जाता है और जिसको वैराग्य हो जाता है, वो फिर इस दुनिया को भूल जाता है, दुनिया से परे हो जाता है। वो जब प्यार हुआ परमेश्वर से धन धाम खजाना भूल गया, जब प्यार हुआ परमेश्वर से धन
लगी हरे दर्शन की अप ना वेगा ना भूल गया हरी वो जिसको प्यास हरी के दर्शन की है ना वो अपना व बेगाना भूल जाता है जिसको वैराग्य हो जाता है जिसका प्यार सच्चा होता है प्रभु से ओ हृदय में तरंगे उठने लगी प्रभु के शरण मस्त हुआ पी प्रेम सुधा जब मस्त हुआ पी प्रेम सुधा तो दर्द भी अपना भूल गया जब प्यार हुआ परमेश्वर से धन धाम खजाना भूल गया फिर जीव मस्त हो जाता है झूमता है प्रभु के नाम में और क्या बताया आगे ईश्वर की जब दृष्टि पड़ी सच्चे भक्तों की हालत पर ईश्वर की जब सच्चे भक्तों की हालत पर जिस दिल में छुपाया प्रीतम को जिस दिल में छुपाया प्रीतम को वह दिल भी छुपाना भूल गया जब प्यास लगी हरे दर्शन की अपना बेगाना भूल गया हरि बोल यारे जिसके ऊपर मेरे प्रभु की दृष्टि पड़ जाए ना है? उसका जीवन ही सफल हो जाता है क्योंकि भागवत में भी अंतिम श्लोक में बताया गया है नाम संकीर्तन में यस सर्व पाप प्रणाशम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरि परम एक हरि का नाम ही इस कलकाल में हमें भव रूपी सागर से पार कर आनंद का सागर अपना बेगाना भूल गया जब प्यार हुआ परमेश्वर से धना
तो आइए गौर करते हैं मेरे भगवत प्रेमियों। जिसका प्यार सच्चा होता है ना परमेश्वर से, वो धन दाम खजाना भूल जाता है। आपने मीरा का जो प्रसंग सुना होगा, उस मीरा ने एक ही बात कही दुनिया वालों से, मुझे क्या काम दुनिया से, मेरा श्री कृष्ण प्यारा है। अगर प्रभु से आप भक्ति करते हैं तो वो सच्ची होनी चाहिए। प्रभु भक्ति किसे कहते हैं और तप किसे कहते हैं, आइए जानते हैं। प्रभु भक्ति का मतलब है यानी सत्य जिनका मन है प्यारे, तप जिनकी आत्मा है, विद्या जिनकी वाणी है, ज्ञान जिनका कर्म है, दया जिनका धर्म है। शब्दों को पहचानिएगा, सेवा जिनकी माता है, धर्म जिनका पिता है प्यारे, सहयोग जिनका भाई है और शांति जिनकी पत्नी है। जीवन पर आधारित बातें हैं, शांति जिनकी पत्नी है और पुरुषार्थ जिनका पुत्र है और धैर्य जिनका मित्र है, भाग्य जिनका साथी है और साहस जिनका शस्त्र है, तथा प्रभु भक्ति जिनका जीवन है। एक प्रभु भक्त के पास ये अदृश्य साथी होने चाहिए, वही सच्ची भक्ति बताई गई, उसी के पास में सच्ची भक्ति है। तब किसे कहते हैं? सुख मिलने पर सुखी होना और दुख मिलने पर दुखी होना, मनुष्य का ये सहज स्वभाव है। यदि सुख सांसारिक पीड़ा होने से मिलता है प्यारे, यदि सुख सांसारिक पीड़ा होने से मिलता है, तब तो बताया गया है दुखी होना लाजमी हो जाता है। लेकिन जहां तक मानसिक कारणों से दुख मिलने की बात है, वहां तक इस मामले में दुख से बचने के प्रयत्न किए जा सकते हैं। क्योंकि यदि विवेक की दृष्टि से देखा जाए तो सुख और दुख की अनुभूतियां अज्ञान के कारण होती है। अज्ञान ही मोह है, मोह सकल व्याधन कर मूला, यानी इसके अनुसार सब विद्याओं की जड़ मोह है, यानी अज्ञान ही सुख और दुख, यानी दरअसल क्या चीज जरा है पर सोचिए, सुख क्या है, सुख की अनुभूति क्या है। बड़ी मार्मिक बातें हैं, ये सब मन का भ्रम है, इसलिए हमें अपने मन को शांत करना है और भगवान से जोड़ना है। क्योंकि आनंद भगवान के नाम में है, सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय पयम। आनंद कोई वस्तु नहीं है, कोई स्थान नहीं है प्यारे, आनंद भगवान का नाम है। व्याख्या तो बहुत बड़ी है लेकिन थोड़े शब्दों में बताना चाहता हूं। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल, आनंद भगवान का नाम है। इसलिए जब आपका प्रेम सच्चा है परमेश्वर से तो फिर घबराने की जरूरत नहीं, भजन के द्वारा आनंद लेते हैं। क्या बताया कवि, तो लीजिए मेरे सत्संग के प्रेमियों, बड़ी सुंदर बात लिखी है। जब सच्चा प्यार हमारा परमेश्वर से हो जाता है और जिसको वैराग्य हो जाता है, वो फिर इस दुनिया को भूल जाता है, दुनिया से पर हो जाता है। जब प्यार हुआ परमेश्वर से धन धाम खजाना भूल गया, जब प्यार हुआ परमेश्वर से धन
अपना वह बेगाना भूल गया। हरी वो जिसको प्यास हरी के दर्शन की है ना, वो अपना वह बेगाना भूल जाता है, जिसको वैराग्य हो जाता है, जिसका प्यार सच्चा होता है प्रभु से। ओ हृदय में तरंगे उठने लगी, प्रभु के शरणागत होने की, ओ हृदय में तरंगे उठने लगी, प्रभु के शरण मस्त हुआ पी प्रेम सुधा, जब मस्त हुआ पी प्रेम सुधा तो दर्द भी अपना भूल गया। जब प्यार हुआ परमेश्वर से धन धाम खजाना भूल गया। फिर जीव मस्त हो जाता है, झूमता है प्रभु के नाम में। और क्या बताया आगे, ईश्वर की जब दृष्टि पड़ी सच्चे भक्तों की हालत पर, ईश्वर की जब सच्चे भक्तों की हालत पर, जिस दिल में छुपाया प्रीतम को, जिस दिल में छुपाया प्रीतम को, वह दिल भी छुपाना भूल गया। जब प्यास लगी हरे दर्शन की अपना वह बेगाना भूल गया। हरि बोल। यारे जिसके ऊपर मेरे प्रभु की दृष्टि पड़ जाए ना, हैं? उसका जीवन ही सफल हो जाता है। क्योंकि भागवत में भी अंतिम श्लोक में बताया गया है, नाम संकीर्तन में यश सर्व पाप नाशन प्रणामो दुख समनष्टम नमामि हरि परम, एक हरि का नाम ही इस कलकाल में हमें भवरूपी सागर से पार कर। आनंद का सागर उमड़ पड़ा जब भक्त के हृदय मंदिर में, अपना वह बेगाना भूल गया। जब प्यार हुआ परमेश्वर से धन धाम खजाना भूल।
प्यार हुआ परमेश्वर से, धन धाम कर